इस वेले दी वड्डी ते अहम खबर खन्ना तो पंजाब दे सरकारी हस्पताल अपने कारनामिया करके नित दिन चर्चावां दे विच रहिंदे तुसीं आम ही वेखदे ते सुणदे तां जरूर होवोंगे पर जो सिविल हस्पताल खन्ना दे विच होया ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਗਰਭਪਤਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਪਰੰਤੂ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। बुधवार की शाम को मैं यहाँ पे अपनी घरवाली को लेकर आया था, बच्चा होने वाला था, शेखा नाम है, तो बच्चा होने वाला था तो लेबर पेन ज़्यादा ही हो रहा था उसको दर्द, तो इन्होंने डॉक्टर नहीं बैठी थी नीचे, उन्होंने देख के और उसको कह दिया भाई तू ऊपर ले जा, ऊपर वार्ड में ले जाया गया। मैंने वहाँ पर बेड पर लिटा दिया, ऊपर भी दो तीन मैडम थी, वो कह रही भाई तू ऐसा कर फाइल बनवा के लिया नीचे से जाके अपनी, हम इसको देखते हैं अभी। जब फाइल बनवाने को मैं आया नीचे तो डॉक्टर भी खड़ा हो गया वहाँ पे, कहता है इसका यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, लुधियाना ले जा। मैं कहा सारा ट्रीटमेंट तो यहाँ पर कराया मैंने इसका, ये देखो ये स्कैन वगैरह सारी पर्चियाँ ट्रीटमेंट सारे उड़े के करा हुआ है, तो कह रहे भाई बेशक करा हुआ है पर हमारा डॉक्टर ही बीमार है तो हम क्या कर सकते हैं। मैं कहा हॉस्पिटल इतना बड़ा है, डॉक्टर का इलाज करा सकते हो हॉस्पिटल में। उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी जी। मैंने फिर इनका वीडियो बनाया, मैं कहा मैं तो जा ही रहा हूँ, कम से कम लोगों को पता लगेगा भाई ये कौन डॉक्टर है और क्या कर रहे हैं मेरे साथ में। तो जब वीडियो बनाना बंद कर दिया मैंने और घरवाली को लेकर जाने लग गया तब डॉक्टर ने मेरे को पकड़ लिया, करीब आधा पौना घंटा मेरे को बंद करके रखा, कह रहा पुलिस बुलाई है, अब पुलिस तेरे डंडे पड़वाएंगे भाई तूने हमारा वीडियो बनाया और हल्ला मचा रखा है यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है जी बुला लो पुलिस को। पुलिस वाले आए, उसने भी देखा मेरी घरवाली को, उन्होंने देख के कहा भाई ये तो मर जाएगी और तुमने इसको पकड़ कर रखा है, इसको जाने दो, एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस बुलाई लुधियाना जाने के लिए, एंड टाइम पर एम्बुलेंस का टायर पंचर, तो कहने लग गए इसका तो टायर पंचर है, अब तो हमारे पास साधन है नहीं, तो ऐसा कर बाहर से कोई साधन देख ले। तुमने तो चिट्टा चक्का दिखा के और निकल लिया था, बोलता किससे मैं, डॉक्टर भी अंदर पहुँच तो पुलिस वाले ने पता नहीं डॉक्टर ने बुलाई थी, मैं तो घरवाले को लेकर बाहर परेशान था। कहाँ रेफर किया था? लुधियाना के लिए। हाँ जी हाँ स्लिप दिए। आगे क्या हुआ फिर? पुलिस वालों ने कहा भाई तू ऐसा कर लेके चलाया, अब इनके कुछ नहीं भरोसा तो इसकी जान बचा। मैं कहा ठीक है जी मैं तो जान बचानी बचानी है। फिर जी अपना रात का टाइम था, जहाँ मेरे को दिखा कहीं प्राइवेट में लेके गया उसको, तो उसको इलाज कराया। फिर तो आपको भैया किसने कहा हॉस्पिटल में मीडिया लगा नंबर नंबर किसने दिया? ये तो रात को 2 बजे जाके मैंने, आपने कल बताया था मीडिया का नंबर मुझे दिया था, नीटा एमसी के पास में गया था ना, उसने कहा भी कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, सिर्फ मीडिया वाले ही तेरी मदद कर सकते हैं, उनके पास में जा तो मेरे से नंबर ले ले। तुम्हारी मदद नहीं की? नहीं मेरे को सिर्फ नंबर दिया जी, मदद नहीं की ऐसा मेरे साथ। हाँ मैंने बोला था क्या कहा, तो उन्होंने सिर्फ नंबर दे दिया मीडिया वालों का, ऐसा कर इनसे बात कर ले, ये तेरे मतलब सारी कहानी सुनेंगे और तभी तेरे मतलब कुछ ना कुछ तेरा मसला हल कराए। मैं लेलेड रोड पर रहता हूँ, ये है अपना वार्ड नंबर 4 है। कितने पैसे लगे वहाँ? लग गई 15,000 रुपये। सरकारी नहीं लेके गया जी? क्या इन्होंने भेजा था वहाँ नहीं गए? वहाँ तो गाड़ी पंचर थी, जाता कैसे? रात का टाइम था कोई लेकर गए थे अपनी वो, मेरे पास रेड़ा चलाता हूँ मैं, तो उसमें डाल के ले गया। फिर कहाँ लेके गया? इधर अपना लेरे रोड पर ही कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, घर में ही उनके पास में ले गया था। क्या अब तो ये मांग हमारी क्या हो सकती है? जो आज आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो आप, क्या मांग जो आज मेरा साथ में हुआ है कल किसी और के साथ में होगा, इन्होंने तो ये बना रखा है। तो कोई बड़े डॉक्टर से मिले तुम यहाँ पे? बड़े डॉक्टर को तो ये मेरे इतना तो आना जाना होता नहीं है, कभी कोई मजबूरी में कोई आता है, बड़े जो डॉक्टर मिल जाए उससे इलाज करा लेता, और सारी जानकारी तो मेरे को है नहीं डॉक्टर में कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस संबंधी सेहत विभाग के अधिकारियों का की कहना है वह भी तुहानू सुना दिंदे आ। इन ऑफिशिएटिंग चार्ज सीगा जिस दिन रात नू डिलीवरी का पेशेंट आया,
मंदभाग है कि भी पेशेंट आया कि कहते गरीब बंदा हॉस्पिटल आया उन्होंने सर्विसिज नहीं प्रोवाइड हो पाई हैं क्योंकि साड़ी गायनाकोलॉजिस्ट एक गायनाकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर बाजवा है वो रिजाइन करके चले गए तो दूसरी जी गायनाकोलॉजिस्ट है उन्होंने डॉक्टर नीरू नू उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्क की प्रॉब्लम है लत्त उन्होंने सुन हो जाए जिस करके वो छुट्टी पर से ईएमओ जिहड़े सीगे वो डॉक्टर गुरमन सीगे उन्होंने जिहड़ा हैगा कॉल नहीं कीती एसएमओ नू या कहिंदे जिहड़ा है कोई एडवाइस किसी सीनियर बंदे तो नहीं लीती क्योंकि गायनाकोलॉजिस्ट ड्यूटी ते नहीं सीगे उन्होंने अपने वालों बेस्ट की कहिंदे कि भी जी इहनू असी की कहिंदे बेस्ट इंटरस्ट दे विच जिहड़ा हैगा लुधियाणे सिविल हॉस्पिटल भेज दीए तो उन्होंने कर दिता इस बारे उन्होंने मेरे ना कोई गल नहीं की है नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की हो दे हैव टू इनफॉर्म द कि कहते एडमिनिस्ट्रेटर द एसएमओ इफ आई वॉज एफिशिएटिंग एसएमओ दे शुड एटलीस्ट कॉल मी दैट वॉट बेस्ट कैन बी डन फॉर द पेशेंट इफ दे हैव डन ऑन देयर ओन Like they have not asked me for any advice onto this. We could have done even better for him. We could have arranged an ambulance. We could have arranged for some other way like to get her delivered. Sanu ki kehte jede patient the relative den application ki bhi sade naal ki kehte ilaaj nahi kita gaya the sade naal जी परेशन है असं यदि इनकुआरी करके देखते हैं कि किस का की कहते फॉल्ट है जे इनकेस की कहते जोड़ा है डॉक्टर ने कोई इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी की वो खिलाफ़ देखा जे इनकेस कोई जोड़ा है पेशेंट ने कोई कोई इस तरह की कोई एग्रेसिव गल की है जिस तो बाद चो उन्होंने इस तरीके दे नाल बिहेव किया डॉक्टर साहब ने तो वह देखा की प्रॉब्लम है इट द बेस्ट इंटरस्ट ऑफ द पेशेंट वी आर हेयर टू सर्व द पुअर पीपल असं की कहते गरीब बंदा जोड़ा है वास्ते पूरी सर्विसिज देने बैठे हाँ बट यह है कि भी नॉलेज ही नहीं लिया गया कि भी ये जी प्रॉब्लम आ रही है तो की किया जाए उन्होंने अपने पॉइंट से डॉक्टर गुरमन ने बेसिकली ये किया कि मेरे को गायनाकोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल क्योंकि ये कॉम्प्लीकेशनस बहुत ज़्यादा है डिलीवरी रिलेटिड कई बार की कहते बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग पैंती है ऑपरेशन की लड़ पै सकती है उसके वास्ते जे इनकेस गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है तो फिर की कहते और वो भी जी लेडी डॉक्टर साढ़े को नीरू सियाल वो घट तो घट 100-150 पेशेंट रोज़ देखती है चार चार पाँच पाँच सजेरियन होंगे रोज़ ऑलमोस्ट 300-400 की कहते डिलीवरी होंगी है कि कहते इतने सिविल इन्नी सर्विसिज प्रोवाइड कर बावजूद जे उन्हों डिस की प्रॉब्लम होगी तो वी कैन नॉट से कि भी असं हम तो रेस्ट नहीं देंगे नहीं तो वो तो फिर उन्होंने जॉब ही छटनी पेगी और जिन्ना सरकारी पॉइंट से की कहते इस वे डिलीवरी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट की कहते असं प्रोवाइड कर रहे हैं ये वाली सर्विसिज फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी प्रोवाइड करनी जे गायनाकोलॉजिस्ट ही नहीं होनी ओवरवर्कड करके ही प्रॉब्लम आई है खन्ना तो ब्यूरो रिपोर्ट NC7 न्यूज पंजाब दे सिख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला ने कहा कि सिख्या महकमे वालों सूबे दे सरकारी सहायता प्राप्त अते निजी स्कूलों का समा बदलिया गया है जो कि 12 फरवरी 2021 तो लागू होगा सिंगला ने दसिया कि सोमवार तो प्राइमरी स्कूलों का समा सवेरे 9 बजे तो शाम 3 बजे तक होगा जदों की मिडिल हाई अते सीनियर सेकेंडरी स्कूल सवेरे 9 बजे तो 3:20 तक खुलेंगे सूबे चुन वाहन मालिक अपने ड्राइविंग लाइसेंस अते रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दियां डिजिटल कॉपियां अपने कोल रख सकते ने क्योंकि पंजाब ट्रांसपोर्ट महकमे ने DL अते RC दे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट नू मंजूरी दे दित्ती है इस संबंधी जानकारी दिंदिया पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना ने दसिया कि जेकर ट्रैफिक पुलिस अते RTO चेकिंग दौरान ड्राइविंग लाइसेंस अते वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दी मांग करदे ने तां मोबाइल एप्स एम परिवहन अते डिजी लॉकर जरिए डाउनलोड करके दस्तावेज दिखाए जा सकते ने इस संबंधी कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वालों पंजाब राज खेत्री ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज दे समूह सकत्तरा STM अते IDGP ट्रैफिक नू पुलिस महकमे दे चेकिंग स्टाफ नू जागरूक करन लई इस संबंधी एक पत्र जारी किया गया है ते अधिकारियों नू यह यकीनी बनाने लई कहा गया है।
उत्तरी रेलवे ने रेल यात्रियों की सहूलत नूं ध्यान विच रखदिया होर रेल गड्डियां चलाउण नूं हरी झंडी दे दित्ती है। रेल नंबर 09241 इंदौर उधमपुर वाया जलंधर सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन हर सोमवार नूं 22 फरवरी तो हफ्तावारी चलेगी, जदों कि रेल नंबर 09242 उधमपुर इंदौर हर बुधवार 24 फरवरी तो इंदौर लई रवाना होवेगी। रेल गड्डियां अगले हुक्मां तक जारी रहनगियां। इन्हां दा ठहराओ देवास, उज्जैन, नागरा, भवानी मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, मथुरा, दिल्ली, सफदरगंज, रोहतक, जींद, जाखल, धूरी, लुधियाना, जलंधर, कैंट, पठानकोट, कैंट और जम्मू तवी स्टेशन शामिल ने। यह ट्रेन दोवां दिशावां ते इन्हां स्टेशनां ते रुकेगी। लाल किले की हिंसा का आरोपी सबका गैंगस्टर लखा सिधाना ने 23 फरवरी नूं बठिंडा विच इक प्रदर्शन का ऐलान किया है। दीप सिद्धू तो बाद गणतंत्र दिवस हिंसा मामले विच लखा सिधाना सब तो वड्डा मुलजम मन्या जा रहा है। लखा सिधाना ने पंजाब दे नौजवानां नाल 23 फरवरी नूं बठिंडा विखे इकट्ठे होण दा ऐलान किया सी। लखा सिधाना ने कहा 23 फरवरी नूं लखां दी गिनती दे विच इकट्ठ किया जाना चाहीदा है। मेरे भरावो वड्डी गिनती दे विच आओ, बठिंडा जिले दे महराज पिंड विखे आओ, इत्थे ही प्रदर्शन होएगा। मेरे भरावो वड्डी गिनती विच शामिल होवो तां कि पता लग सके कि असीं किसान अंदोलन दे नाल हां। हाँ जी, सत श्री अकाल सारे पंजाबी भरावां नूं। ते सब तो पहला 21 फरवरी मां बोली दिहाड़े दे उत्ते सानूं बहुत बहुत मुबारकां। ते नाल मैं एक अपील भी करदा कि आओ आपां 21 फरवरी मां बोली दिहाड़े दे उत्ते पंजाबी भरावो देशां विदेशां दे विच बस दिओ, एक प्रण करिए, एक निश्चा करिए, एक सहु खाइए कि असीं अपनी मां बोली नूं दुनिया दे विच सिखरां ते पहुँचाउण दे लई आपां जी जान लाउणा, क्योंकि जवान है तो पहचान है, जे जवान मर गई तो साड़ी पहचान ने मर गई। बाहरले मुल्कां दे विच बैठे मैं मेरे पंजाबी भरावां नूं कहना चाहुंदा, मेरियां भैणां नूं कहना चाहुंदा कि अपने बच्चों नूं जे अंग्रेजी स्कूलों च पढ़ाउणे आ, नहीं उत्थे पंजाबी पढ़ाई जांदी, घरां च कहदे लिया के पंजाबी पढ़ाओ, उन्हां नूं अपनी मां बोली नाल जोड़ो, अपने इतिहास नाल जोड़ो। ते इधरले बैठे मेरे भरावां नूं कहना चाहुंदा कि जे तुहानूं स्कूलां दे विच तुहाडे जवाकां नूं पता लगदा है कि कोई जुर्माना हो रहा है, कोई पाबंदी लाई जा रही है, पंजाबी बोलन तों रोकिया जा रहा है, सही पंजाबी उह पढ़ना मैं देखदा हुंदा कि 8वीं 10वीं वाले जवाकां नूं भी इत्थे कई बार लिखा के लिखी दी ना, तां सही पंजाबी लिखणी भी नहीं आउंदी हुंदी। अंग्रेजी स्कूलां दा हालात इह ने कि उन्नी क पंजाबी पढ़ा दिंदे जिन्ने क पास होण योग नहीं। उन्हां नूं वी अपील करदा कि तुसीं अपने जवाकां तों घरे पंजाबी लिखा के पढ़ा के देखिया करो, सही तरीके नाल पढ़ लैंदे आ, लिख लैंदे आ, ते स्कूलां च वी जाके गेड़ा मार के आया करो। मैं इह नहीं कहिंदा वी अंग्रेजी ना सिखाओ, अंग्रेजी भी सिखाओ, हिंदी, उर्दू, अरबी, फ्रेंच, फारसी, जो सानूं लगदा जवान सीखनी चाहीदी आ, सारियां जवानां दा सत्कार करो, सारियां जवानां सीखो जिहड़ी सानूं लगदा वी सीखणी है, पढ़नी है, पर अपनी मां बोली तलांजली ना दिओ, अपनी मां बोली दी कुरबानी ना दिओ, क्योंकि जिहड़ियां कौमां दीआं बोलियां जिउंदियां रहिंदियां ने ना, कौमां दी पहचान ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਂਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਮੁੱਠਾ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੁੱਛੀ ਸਰਫ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ, 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ, ਕੋਈ ਤਖਤੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨ, ਦਸਖਤ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨੇ, ਆਪਸ ਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਗਵਾਚ ਰਹੇ ਨੇ,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਜਵਾਕਾਂ ਕੋਲੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਮਾਚੇ ਨੇ ਲੋਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁਸ਼ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੀਣਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਲਿਖਣ 'ਚ। ਸੋ ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਉਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਐਸੋ ਆਰਾਮ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੰਦਾ ਵਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਖੀਰ ਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਹਿਰਾਜ, ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੜ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ, ਜੂਝਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਦੀਆਂ ਜੱਚਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਨਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਹਿਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਏਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੱਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ ਮੇਂ ਇਹ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਸ ਮੇਂ ਲੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ, ਸਾਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ
हिसाब किताब थोड़े मोढ़िया थोड़े सिर पर घूमता सी ना, वो किसी होर मोढ़िया चलिया गया। वो दोबारा पंजाब के आगुआ के मोढ़िया से लिया की लड़ है, वो पंजाब के नौजवान अपील करूँगा कि सानू साडे आगुआ के नाल मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के खड़ना चाहिए। मैं फिर बेनती करना जो मर्जी मैं उन्होंने भी कहना चाहता कि जेडे थोड़े आगू पहला भी बोलते रहे किसान आगुआ कहना चाहता उन्होंने भी नत्थ पाई जाए, यही गलों तो गह तो गुरेज किया जाए, यह जी बयानबाजी तो गुरेज किया जाए जी दुफाड़ कर रही है सू जी पाड़ पाँदी है साढ़े। सो आओ मेरा भीर 23 तरीक न इस संघर्ष का साथ देने दे दिल्ली तक स्नेहा पहुँचाने भी पंजाब एकजुट है, पंजाब एक मुठा, पंजाब पिछे नहीं हटूगा जो मर्जी हो जाए। पंजाब चढ़ती कला ची है तो चढ़ती कला सी चढ़ती कला च रहूगा। 23 तरीक ना एडा वड्डा कट्ठ इत्थे होना चाहिए कि दिल्ली बैठी सरकार को पता लग जाए भी लखां दा कट्ठ जिहड़ा अज पंजाब की धरती जिले बठिंडे महाराज की धरती से होया ये कट्ठ दिल्ली भी पहुँचूगा अपने हकों इन्हां काले कानून रद्द कराने लई दिल्ली पहुंचूगा। सो इस करके मैं मेरा भीर अपील करदा कि नेड़ले पिंड वालों मैं कहना चाहुंदा वी वध तों वध तुसीं अपनियां ट्रैक्टर ट्रालियां लैके आयो, दूर वालों नूं कहना चाहुंदा तुसीं अपनियां गड्डियां जां कोई बसां करा के ले आओ। उस दिन घर घर दा इंसान नौजवान साडे बजुर्ग साडियां मावां भैणां हर इंसान इत्थे पहुंचना चाहीदा ताकि आपां इक सुनेहा दे सकीए, अपनी आवाज़ नूं बुलंद कर सकीए। जिहड़े झूठे मुकदमे आंदे विच साडे किसान किसानां नूं साडे नौजवानां नूं फसा के सरकार तशद्दुद कर रही है, एक दहशत का माहौल डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, लोगों के विच इक नौजवान डर पैदा किया जा रहा है। इहो जिहे मुकदमे बाजी करके फड़ो फड़ी जा रही है, छापे बज रहे हैं, इहनूं ठल पाउण लई इहनूं नत्थ पाउण दे लई इहदे खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करन लई दुनिया के विच इह सानूं कट्ठ वड्डा करना चाहिए। दूजी गल मैं साडे अगों नूं भी कहना चाहुंदा भी जिहड़े भी साडे इस अंदोलन के साडे नाल मोढ़े ना मोढ़ा जुड़ के खड़िया साढ़े हक के हरा नारा मारिया वो कोई भी है, वह दुकानदार है, वह किसान है, वह मजदूर है, वह मुलाजम है, किसी भी सूबे का कोई विद्यार्थी है जिन्होंने सरकार अच्छे झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्होंने जेलों सुटने की तैयारी कर रही है, तो उन्होंने खिलाफ भी सूँ साझे तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आवाज़ बुलंद करने की लोड़ है। यही होंगे असल आगू जिहड़ा मौके दे उत्ते अपने लोगों नाल लैके तुरे, एका बना के चले, नाराजता ना फैलन देवे, ये होंदी है सही लीडरशिप। सो सोडे ते असीं अज भी सोडे नाल खड़े हाँ, खड़ांगे मरदे दम तक खड़ांगे, कोई गल नहीं, बहुत कुछ झलना पैंदा, बड़ा कुछ झलना भी हले आने वाले समय च बड़ा कुछ होना है, बड़ा इन्होंने जुल्म सरकारां ने ढाउणा है साडे लोगों के उत्ते, लोगों की आवाज़ नूं दबण दे लई, पर ये आवाज़ हमेशा बुलंद रहनी चाहिए क्योंकि सानू ये आवाज़ा बुलंद रखने की जी विरासत है विरसा जरा सानू ये सानू साढ़े उस इतिहास चो मिले उस विरासत चो मिले कि जो ही कित जुलम होया तो साढ़े कौम के बड़ बड़ेर ने साढ़े रहबर ने साढ़े योध्या साढ़े गुरुआ ने साढ़े पीर ने हमेशा आवाज़ बुलंद की। असी भी अज आवाज़ मरते दम तक जुलम के खिलाफ इंसानियत मनुखता के भले लिए अपनी आवाज़ में बुलंद करते रहे। सो आओ 23 तरीक न मेरा भीर वड्डी गिणती हूँ मैं देखूंगा, यह ना हो जिम्मे तो कहना बाई फटे चक देंगे सोडे नाल हाँ, वो हम फेसबुक देने पर फटे चकने ग्राउंड से देखना कि 23 तरीक न कि वड्डी जी सा गिणती है लखा की गिणती होनी चाहिए है उद्दी, कोई भी इंसान कोई भी नौजवान घरे ना रहे। आओ मेरा भीर वध तो वध वड्डी गिणती दे 23 तरीक न महराज पिंड जिहड़ा जिले बठिंडे का पिंड है, बरनाले तो भी 30 किलोमीटर दूर है, बठिंडे तो भी 30 किलोमीटर दूर है, रामपुरा रामपुरा पैंदा बचाले बड़े हाईवे के उत्ते जिहड़ा जांदा बठिंडे तो अपना जीरकपुर पटियाले वाला हाईवे उहदे उत्ते रामपुरा शहर पै जांदा, उस शहर तो 7 किलोमीटर दूर महराज पिंड है, उहदी दाणा मंडी है उस सड़क के उत्ते, उत्थे वड्डा कट्ठ रखिया गया। आओ मेरा वीर आपां वड्डी गिणती दे विच शमूलीयत करिए तां कि पता लगे कि असीं साडे किसान अंदोलन दे नाल असी साडे जिहड़े जुल्म कीता तुसीं साडे नौजवानां दे साडे किसानां दे जिहड़ा डक्के ने छदर कर रहे हो, रमाण ते रमाण दे रहे हो, झूठे मुकदमे च फसा रहे हो, छापेमारी कर रहे हो, असीं उहनां दे नाल हां। पता लगे सरकार नूं ठल पवे इहनां झूठे मुकदमियां दी, उहदे सानूं अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहीदी है। मैं समझदा जी तुसीं अपने पंजाब नूं प्यार करदे हो, अपनी धरती मां नूं प्यार करदे हो, अपने हक्कां लई तुसीं थोड़े च सोडियां जमीर जागदियां ने, अपने हकों लिए लड़ना चाहते हो तो जरूर
वह हर इंसान जागदी जा जमीर आला ज्योंदी जमीर आला वह अणखा वाले लोग 23 तरीक नूं महाराज की धरती चढ़दी कला सी चढ़दी कला च रहांगे क्योंकि असी उस वाहगुरु उस परमात्मा का ऊट आसरा लेके चले वो तो सानू भरोसा है कि असी अपनी सच्ची नेक नीत नाल लड़ रहे हैं अपने हक्कां लई लड़ रहे हैं तो इस करके असी कदे भी नहीं हारांगे हमेशा जित के ही आवांगे सवाओ चढ़दी कला ही रहना है बुलंद हौसले रखने हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सोशल मीडिया से वायरल हो रही तस्वीर फरीदकोट दियां दसिया जा रही ने जिथे दिन दहाड़े गुंडागर्दी का नंगा नाच वेखन नूं मिलिया इस समय दो गुटां च जबरदस्त लड़ाई हुई तस्वीर दे विच बयान कर रही है कि दोवें गुटां वल्लों एक दूजे ते पत्थरबाजी भी की गई दसना बनता है कि इन्हां दोवां गुटां कोल तेज तार हथियार भी सन ते दोवां गुटां च लड़ाई का सिलसिला जारी रहा मौके ते पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया ते दोवें गुटां नूं खदेड़िया जानकारी मुताबिक यह घटना फरीदकोट च कतल होए गुरलाल भगवान दे कतल तो पहलां दी दसी जा रही है फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। पटियाला तो सांसद मेंबर श्रीमती परनीत कौर चढ़दी कला टाइम टीवी ग्रुप दे चेयरमैन जगजीत सिंह दर्दी दे सपुत्र सतबीर सिंह दर्दी जिन्हां दा बीते दिनी देहांत हो गया सी दे अकाल चलाने ते दुख दा प्रगटावा करन लई दर्दी दे गृह विखे पहुंचे इस तो पहला मुख्यमंत्री दे सलाहकार भगत इंदर सिंह चाहल ने भी जगजीत सिंह दर्दी दे घर जा के दर्दी परिवार नाल दुख वंडाया इस मौके श्रीमती परनीत कौर ने सतबीर सिंह बेवक्त अकाल चलाने नूं परिवार समाज मीडिया जगत लई वड्डा घाटा दस्या उन्हां कहा कि सतबीर सिंह ने छोटी उम्र च ही वड्डियां पुलांगा पटदिया अपने पिता जगजीत सिंह दर्दी दे मोढे नाल मोढा जोड़ के चढ़दी कला अदारे नूं बुलंदियां ते पहुंचाउण च अपना अहम योगदान पाया सी। श्रीमती परनीत कौर ने श्रीमती हरबंस कौर जगजीत सिंह दर्दी डॉक्टर जसविंदर कौर दर्दी सतबीर सिंह दी पत्नी डॉक्टर गुरलीन कौर भैन डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर ते होर परिवारिक मैंबरां नाल हमदर्दी दा प्रगटावा करदिया कहा कि ओह खुद ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दर्दी परिवार दी इस दुख दी कड़ी च उन्हां दे नाल खड़े ने उन्हां कहा कि पुत्तर दा विछोड़ा दिल नूं झंझोड़ के रख देण वाला सदमा है जिस दी भरपाई कदे भी नहीं हो सकती। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम लई डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म शुरू कर दिता है जिस तो बाद हुन पासपोर्ट बनवाउन दे लई अप्लाई करन वेले असल दस्तावेज दी जरूरत नहीं पवेगी डिजी लॉकर प्रोग्राम दी मदद दे नाल पासपोर्ट बनवाउन दी प्रक्रिया च काफी आसानी हो गई है। विदेश मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए ने जिथे पासपोर्ट नियमों नु काफी सरल कर दिता है उथे ही घर नेड़े बनवाउन दी व्यवस्था भी शुरू कर दिती है। हेड पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू किया गया है जिथे जा के नागरिक पासपोर्ट बना सकते ने देश भर दे 426 डाकघरां च ही सहूलत चालू हो गई है फिलहाल 36 पासपोर्ट ऑफिस 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र अते 426 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रां च पासपोर्ट बनाए जांदे ने। गुजरात विच स्थानक नगर निगमां दीआं चोणां लई वोटिंग सवेरे 7 बजे शुरू होई केंद्रीय गृह मंत्री अते बीजेपी आगू अमित शाह दी वोट पाउण लई अहमदाबाद पहुंचे अते वोट पाउणगे तां उत्थे ही कोरोना पीड़ित मुख्यमंत्री विजय रूपानी पीपीई किट पहन के वोट पाउणगे। सूबे विच अज 6 नगर निगमां अहमदाबाद राजकोट वडोदरा सूरत भावनगर अते जामनगर विच वोटां पैणियां जिसदे लई सारियां तैयारियां पूरियां हो चुकियां ने। अहमदाबाद नगर निगम विच वोटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिचरवार देर रात अहमदाबाद पुजे सन दस्योग है कि ये चोणा अगले साल होन जा रही गुजरात विधानसभा चोणा दी तस्वीर तय कर सकदियां ने। अधिकारियां ने दस्या कि कुल 575 सीटां लई वोटिंग हो रही है जिन्हां लई 2276 उम्मीदवार मैदान विच ने इन्हां विचों भाजपा दे 577 कांग्रेस दे 566 आम आदमी पार्टी दे 470 रकांपा दे 92 अते होर दलां दे 353 अते 228 आजाद उम्मीदवार। Finding for a school to enroll in? Do you want to enhance your skills and abilities? Don't worry, Lala Kasturi Lal Sarvatkari Senior Secondary Vidya Mandir, affiliated to CBSE, offers you complete facilities of
computer lab, high quality education, friendly environment with affordable fee structure and facility of Shishu Vatika for kids. Admission open from now for LKG to 9 and plus 1 in all streams. What are you waiting for? Build your child future at Lala Kasturi Lal Sarvitkari Senior Secondary Vidya Mandir, Mehraj Road, Rampura Phool, District Bathinda. Contact on 01651505076 and 505077. Are you worried about your child future? Then here is a golden chance to join Doon Senior Secondary Public School for bright future of your child. Best education is provided here with reasonable fee structure, finest environment, well-managed labs of physics, chemistry and biology, special quota classes for plus one and plus two students. Admission open from now for nursery to 9th and plus 1 in commerce, arts and medical stream. Join Doon Senior Secondary Public School, Karyadwala, District Bathinda. Contact on 94179-40107 and 99884728-57. For your child's bright future and to enhance your child's knowledge, take them to Bhartiya Model Senior Secondary School, CBSE affiliated. Admissions are open from nursery to 12th with medical, arts and commerce stream with affordable fee. Available facilities are fully air-conditioned classrooms, well-educated and cooperative staff, healthy environment for your child's better upbringing, faculty of kindergarten, physics, chemistry and mathematics lab, extracurricular activities like yoga classes, meditation sessions, athletic meet. Admission open, limited seats. Do hurry. For the further inquiry, contact on 01651220279 and 01651221279.